केरला से हम पीछे नहीं है, ठीक है। हम तीनों का जो बाइक है एक ही जगह का बाइक है, एक ही पिन कोड का बाइक है, सबसे बड़ा बात। ओजीडी का लाइनअप अंदर में एक क्लैम होता है छोटा सा, वो टूट गया है शायद। ऑन एंड ऑल लिपी क्रेडिट दे रहा है भाई, तुझे क्रेडिट दे रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं भाई का 390 का डिलीवरी लेने अमन। तो जाते जाते मैं स्टोरी बताता हूँ क्या क्या सीन हुआ था, क्या क्या सीन होने वाला है। तो मेरे साथ जा रहा है एक GT बुलेट और एक बुलेट है एटा भाई। बहुत दिन बाद, मतलब बहुत वेट करने के बाद फाइनली ले रहा है 390 आज। और आज मेरा बाइक खड़े खड़े गिर गया। मैं उधर खड़ा किया था बाइक को, जिधर स्टैंड दिया था ना उधर, मतलब स्टैंड फंस गया मिट्टी पे और बाइक खड़े खड़े गिर गई। कुछ हुआ नहीं, जस्ट ये जो है ना ये थोड़ा ढीला हो गया, वो जाके टाइट करवा लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह का जैम भाई, अभी इधर तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जैम उतना ज़्यादा नहीं है, मगर आमतला में इतना जैम है ना, इतना जैम है आमतला पे। दीदी किधर चले आए? दीदी चलो, दीदी तो गाइज सीन क्या है, अमन के पास, अमन मीन्स जिसका डिलीवरी आज है उसके पास ड्यूक 250 था, ठीक है। तो भाई का एक एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा ज़्यादा ही चोट वोट लग गए थे, बाइक को भी ज़्यादा चोट लग गए थे और भाई को भी। तो क्या किया भाई ने, भाई बाइक को इंश्योरेंस पे डाला, उसके बाद पूरा बाइक को एकदम सही किया और वो वाला बाइक शोरूम पे ही देके, मतलब एक्सचेंज करके उसमें थोड़ा और पैसा डाल के 390 ले रहा है शोरूम से ही। यार मेरा क्लच प्लेट जाएगा मेरा क्लच प्लेट जाएगा अभी भाई क्या करेगा इधर से बाइक लेने के बाद, मतलब भाई के पास ऑलरेडी मॉडिफिकेशन का सामान है, ठीक है, खरीद लिया है। तो अभी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा आज ही, बाकी सब बाद में होगा। आज तो 180 का टायर भी लगा लेगा भाई। इधर से बाइक लेने के बाद हम लोग जाएंगे उधर जिधर हम लोग टायर चेंज करते हैं ना,
उधर जाएंगे। आ चुके हैं शोरूम पे। 100 मीटर की दूरी पे है KTM का शोरूम। भाई का खुशी। चलो फूल आ चुके हैं शोरूम पे एकदम। तो गाइस क्या हुआ था एक्चुअली, भाई का जो बाइक है ड्यूक 250 था, उसको लेके जब एक्सीडेंट किया था तो भाई के फैमिली से बोला कि वो एक्सीडेंट वाला गाड़ी घर पे मत ला, तो भाई शोरूम पे ही दिया है वो गाड़ी। और ये जो 390 है ये शोरूम का ही एक बंदा का है, ज़्यादा दिन चला नहीं है, तो भाई वो एक्सचेंज करके ये 390 ले रहा है, नया नहीं है, शोरूम का ही एक मेंबर का गाड़ी है। तो भाई डीवी किलर खुला हुआ है अभी इसका। तो ये है अभी सर्विस, अभी थोड़ा है तो चलो। बात में दिक्कत है अभी, थोड़ा बैठते हैं यार, टिफिन विबिन करते हैं। तो गाइस अभी भी बैठा हुआ हूँ मगर अभी बहुत देर लगेगा। कितना देर लगेगा? अभी लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और ब्रेक पैड चेंज कर रहा है, नो इंजन ऑयल चेंज करेगा। सर्विस हो गया अभी थोड़ा है। अच्छा, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ। अभी बारिश का भी सीन चलेगा, अभी बारिश आएगा बहुत जोर से भाई, बहुत दिक्कत भाई। भाई साहब यार देखो यार, एकदम पूरा अंधेरा करके आया है, और मेरा गाड़ी उधर बोला मैं गिर गया था, धस गया था नीचे। तो मैं जिधर से आया हूँ उधर बाइक रखा था, तो ये अंदर धस गया था, तो इधर का जो अंदर में एक क्लैम होता है छोटा सा, वो टूट गया है शायद, ये घूम रहा है, जो भी हो मैं कर लूँगा अभी। सड़क के कोने पे खड़ा रह के बाइक के ऊपर, ए अमन बाइक का असली इस्तेमाल। और इसका बाइक का भी सर्विस हो रहा है यार, बहुत टाइम लग गया ना, टाइम बहुत लग गया, बहुत टाइम लग गया। हम लोगों को बोला था अमन ने कि 1 घंटा लगेगा, इधर से लग गया 3-4 घंटा। तो चलो खाना खत्म करते हैं, उसके बाद आ रहा है रोहित, आ रहा है बाइक लेके। तो गाइस आ चुके हैं अभी टायर चेंज करने, और कैसा लग रहा है भाई? फिलहाल तो पूरा दिन के बाद बहुत थकान, बहुत टायर्ड हो रहा है ना, बहुत थकान हो रहा है, और अभी टायर चेंज होगा। तो गाइस अभी पॉलिश हो रहा है, तो मैंने बोला था मेरे वाला जो टायर चेंज हुआ था उस दिन, मैं बोला था कि इधर कलर का भी काम होता है, तो अभी पॉलिश हो रहा है गाड़ी, देखो अब लोग। तो ये वाला जो चीज़ है 3M रबिंग कंपाउंड, ये डालता है, ठीक है, ये रबिंग कंपाउंड 3M, ये डालने के बाद पॉलिश होता है, तो पूरा एकदम प्रोफेशनली काम होता है, फिर गाड़ी बिकता है, ये नहीं कि मतलब उठा के बेच दिया, अच्छे से प्रोफेशनली काम होता है इधर। काम स्टार्ट हो चुका है अभी, टायर खोलने का काम स्टार्ट हो चुका है।
इधर चेक कर लो एक बार ओजीडी का लाइन आप, ओजीडी का लाइन आप देख लो, ओजीडी का लाइन आप देख लो। और मैं जो बोला 1000 सब्सक्राइबर जब पूरा होगा उसके बाद इसका पूरा एकदम ब्लॉग आएगा एक डिटेल्स। वही सेम प्रॉब्लम हो रहा है मेरा जैसा, वीडियो बनाओ वीडियो डालो एक चाहते तो हम करता हूं आज का देंगे हाथ तक हाथ तक काका काका हाथ तक पूरा टायर एकदम बेंड हो चुका है अभी, अभी फायर वायर देना पड़ेगा पूरा एकदम। अभी गाड़ी से तेल निकलेगा उसके बाद इधर आएगा और फुल फायर वायर देके फिट करना पड़ेगा। वो तो मैं एक बार दो बार मेरे ना बुझले তার পরে এ দেবে ফায়ার দেবে এই জায়গাটা একবার মেরে নাও ওই দিকটাকে মেরে নাও ভালো করে তারপরে আগুন দেবে এরা অ্যাকচুয়াল লাগবে এরকম হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল এরকম হেলমেট পেন হেলমেট এই কি বল ম্যান ফোর্স কা হেলমেট পেন নাও ম্যান ফোর্স কা হেলমেট পেন জলদি मारो 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 ऐसे मेरे दो एक बार अरे मारो ना दे बे तो मार दो 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 मारो मारो एक जाने एक जाने मटर হ্যাঁ ওইদিকে ইজি এবার ইজি পাটা দিয়ে রাখবা পাটা দিয়ে রাখ পাটা দিয়ে রাখ এই এখানে পাটা দিয়ে রাখবো ঠোকো ঠোকো একবার ঠোকো ভাই চল চল এবার এবার হয়ে যাবে আব্দ এই ঘোড়া আউট হয়ে যাও মার 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 উড রাই থোড়া সা বাকি হ্যায় भाई पूरा पसीना पसीना हो गया भाई एकदम गाइस लगा दिया तीन टो गाड़ी सिटी में पूरा तवा इवेंट चो तो गाइस अभी लग रहा है टायर फिट तो हो गया बहुत मशक्कत के बाद तो चलो सक्सेसफुली लग चुका है अभी सक्सेसफुली मतलब रिम पे लग चुका है टायर प्रोडिक्स भी लगेगा है प्रोडिक्स लगाते हो अभी तो प्रोजेक्ट मोटर अटका लग जाता है यार क्या खतरनाक लुक आ रहा है देखो कितना खतरनाक लुक आ रहा है तो गाइस मैं मैकेनिक बन चुका हूं प्रोडक्ट्स का टायर का जो बूस है वो अगर लगा रहता तो टायर नहीं घुस रहा था और इधर से अभी बूस लग नहीं रहा है उड़े निकल चुका है इधर से सिस्टम
गाइज बहुत मशक्कत के बाद अभी लगा है, लग नहीं रहा था, थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा हो गया, 180 का टायर 200 हो गया था इसलिए इधर से थोड़ा दिक्कत आ रहा था, लग नहीं रहा था, तो चेन कवर हटा के लगाना पड़ा ना। होगा 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 हो गया, पूरा जहर लग रहा है पीछे से ए, पूरा 1290 लग रहा है, सुपर ड्यूक हो गया है तेरा भाई, 250 देके सुपर ड्यूक। तो गाइस लग चुका है अभी टायर, चेक कर लो एक बार, बीस्ट लग रहा है एकदम, खतरनाक लुक आ रहा है। अभी अभी टायर अगर लगेगा, चलो लगा दो, अभी टायर अगर लग रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, पूरा एकदम रोड वोड गीला गीला है, तो कैसा लग रहा भाई? बोलना चाहते हैं एक कि अभी मतलब केरला से हम पीछे नहीं है, ठीक है, हम तीनों का जो बाइक है एक ही जगह का बाइक है, एक ही पिन कोड का बाइक है, सबसे बड़ा बात। तो गाइज एक बार पीछे से लुक चेक कर लो, इधर 180 है, इधर 180 है, अंदर 180 का काम चल रहा है, मतलब समझ रहे हो कितना तबाही होगा अभी OGT वाला ग्रुप पे। OGT मेंबर्स आर ऑन फायर ब्रो, फुल ऑन फायर ब्रो, फुल ऑन फायर, गाड़ी पूरा एकदम सब स्पेशल हो गया, फुल स्पेशल गाड़ी, अब गाड़ी पूरा स्पेशल हो गया, पूरा मस्त गाड़ी, ऐसा बनाना पड़ेगा कि चार लोग खड़ा हो के, चार लोगों का जितना रिश्तेदार है वो भी पूछे कि भाई कौन सा गाड़ी है। चलो अभी अभी तो रेडी होना पड़ेगा, देर हो चुका है बहुत, घर जाना पड़ेगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छे, ये क्या कर रहा है फुल मस्ती, तो गाइस मजाक मस्ती सब हटाते हैं अभी। वीडियो कैसा लगा बता देना कमेंट में, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ऐसे ही मस्त मस्त यूनिक यूनिक सा वीडियो लाता रहूँगा मैं, प्रॉमिस कर रहा हूँ, जल्दी से 1000 कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, तभी ये वाला जो बाइक है इसका फुल डिटेल्स वीडियो आ जाएगा चैनल पे, मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट फेमस बाइक N160 चेक कर लो। तो गाइस चलो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, एकदम मतलब सांस फूल रहा है मेरा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग पे, टिल देन बी सेफ राइड सेफ स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।